हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सुनीता। आप सबका मेरे चैनल सुनीता प्रदीप जोशी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही नई रेसिपी लेकर आई हूँ, बिल्कुल नई रेसिपी जिसे आपको ना ही आटा लगाना है ना ही आपको बेलना है और ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही खस्ता लगती है। इसे आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए लेंगे हम 1 कप मैदा। अब इसमें डालेंगे हम सभी मसाले। 1/4 चम्मच हल्दी डाली है हमने, 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच ही अजवाइन डालेंगे, 1 चम्मच ही हम कसूरी मेथी डालेंगे और 1/2 चम्मच हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालना है, स्वाद अनुसार नमक डाल देना है और 1 कप पानी डालकर इसका अच्छा बैटर बना लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से चलाते हुए बेटा तैयार है। अब इसमें अच्छा खस्ता बनाने के लिए 2 चम्मच तेल डालेंगे और इसको मिक्स करके देखिए इस तरीके का रहना चाहिए। और तवा गर्म करने के लिए चढ़ा देंगे, उसमें लगाएंगे हम ऑयल। तवे को हमें ठंडा ही रहने देना है और उस पर 1 चम्मच बैटर डालकर इस तरीके से फैलाना है। अगर आप गरम तवे पर फैलाएंगे तो बैटर नहीं फैलेगा और इसकी गुठलियां बन जाएगी। इस तरीके से फैलाना है। अब इसको हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। ये देखिए आसानी से निकल जाता है। अब आपको ऑयल नहीं लगाना है ज़्यादा, बस एक ही बार ऑयल लगाना है। देखिए आसानी से इसमें जो हमने तिल और चिली फ्लेक्स डाले थे वो कितने बढ़िया लग रहे हैं। देखिए कितनी पतली शीट बनकर तैयार हुई है। सारी शीट्स बनाकर रख देंगे इस तरीके से। ये हमारी सारी शीट्स तैयार है, कितने सॉफ्ट बने हैं ये देखो। हम सारी शीट्स बनाकर रख देंगे। अब लेंगे हम 1 कटोरी, उसमें डालेंगे 2 चम्मच मैदा। एक कटोरी ले ली हमने, 2 चम्मच मैदा ले लिए और थोड़ा पानी डालकर हम इस तरीके से इसका सैलरी तैयार कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए इसमें भी। अब हम चकले पर ये लेंगे शीट्स और उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अच्छा टाइट फोल्ड करना है हमें और ये लास्ट में जो किनार बचती है इसमें हमको वो सैलरी लगा देनी है चिपकाने के लिए इस तरीके से। फैलाते हुए अच्छे से चिपका देना है। सारे शीट्स को हम इस तरीके से ही तैयार कर देंगे और एक नाइफ की सहायता से इस तरीके से कट कर देंगे छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से। देखिए कि सारी लेयर नज़र आ रही है। अगर आप टाइट नहीं लगाएंगे तो ये एक भी लेयर नज़र नहीं आएगी और ये खुल जाएगी। तेल गर्म करने के लिए चढ़ा देंगे। अच्छा खोलता हुआ तेल होना चाहिए और लो मीडियम फ्लेम पर इसको फिर हम तलेंगे। ये देखिए अभी हमें और अच्छी ब्राउन करनी है इनको। ये देखिए हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। देखिए कितने बढ़िया बने हैं, खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगे थे। मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आए, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल नई रेसिपी है ये, सारे बनकर तैयार हैं। ये देखिए आप इसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।